हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम बनाएंगे प्याज के भजिया पकौड़े। आप तो भजिया पकौड़े बनाने के लिए मैंने 8 प्याज ले लिए हैं और 5 मिर्ची ले लिए हरा और 4 लहसुन के कली है और 1-2 इंच अदरक के टुकड़े हैं और मैं इसको बारीक बारीक से सबको काट लेंगे। तो आप देख सकते हैं हमने प्याज के काट लिया है बारीक से और मिर्ची भी काट लिए हैं और अदरक लहसुन का पेस्ट बना लिए हैं और 4 चम्मच इसमें बेसन डाल दिए हैं, चना की बेसन जो रेडीमेड मिलता है वही बेसन मैंने 4 चम्मच डाल दिया है। इसमें जाएगा नमक, इसमें जाएगा हल्दी पाउडर, इसमें तीखा लाल मिर्ची है, इसमें जाएगा कश्मीरी लाल मिर्ची और अब इसमें डालेंगे क्रश करके थोड़ा अजवाइन। और मिर्ची आपको ज़्यादा लग रहा होगा इसलिए वो तीखा नहीं है, 2 बड़ा बड़ा मैंने मीठा मिर्ची काटे है और 3 तीखा वाला काटे है इसलिए थोड़ा पाउडर भी डाली हूँ और वो मीठा मिर्ची है तो इसलिए स्वाद रहेगा, तीखा नहीं लगेगा। तो पहले मैंने प्याज को सबको मिक्स कर लेंगे ऐसे हाथ से दबाते हुए, उसके बाद सारा बेसन उसन सब मिला लेंगे। हमने सब मैंने अच्छे से मिला लिया है, देखिए कितना सुंदर से मिला दिए हैं और अच्छी लग रही है। अब इसको फ्राई करने चल रहे हैं चूल्हा की ओर। तो बारिश का मौसम में थोड़ा तितगर झसगर खाना में मिल जाए तो अच्छा और स्वाद बढ़ जाता है, इसके लिए बारिश में भजिया ज़रूर बनाइए एक बार मेरे तरीके से और खाइए। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। हमारी वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा तेल गर्म हो गया है, अब उसमें इतना लेंगे और इसमें डाल देंगे। मैंने सारा डाल दिया है, इसमें देख तक सकते हैं मैंने सारा डाल दिया है। अब इसको उलटते पलटते पकाएंगे।